अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी तानिया एंड टुडे आई विल टेल यू द हाउ टू मेमोराइज द सिनोनिम्स। सो फर्स्ट वर्ड वी हैव प्रोटेजीज। प्रोटेजीज, इट इज़ नॉट कॉल्ड प्रोटेजीज, इट इज़ कॉल्ड प्रोटेजीज। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ शानदार और हैरतअंगेज। एज वी नो दैट देयर आर सो मेनी मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड, सो हियर द मीनिंग ऑफ प्रोटेजीज इज शानदार। तो यहाँ पर हमारे पास वी हैव फोर ऑप्शंस। ऑप्शन ए अनएक्सेप्टेबल, ऑप्शन बी फिनोमिनल, एंड ऑप्शन सी डिस्करेज, एंड आफ्टर ऑप्शन डी वैन। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो है ऑप्शन वो है अनएक्सेप्टेबल। तो आप ये जज ही कर सकते हैं कि अनएक्सेप्टेबल मीनिंग तो शानदार नहीं हो सकता, इससे तो कर नहीं रहा कोई भी कनेक्शन इसका है नहीं। अनएक्सेप्टेबल तो इज अ कॉमन वर्ड एंड एवरीवन नोस अनएक्सेप्टेबल मीन्स नाकाबिले कबूल। ओके, सो सी वर्ड है हमारे पास वो है डिस्करेजिंग। सो डिस्करेजिंग मीन्स, ये भी आपको पता है कि हिम्मत हार जाना, जैसे करेजिंग मीन्स हिम्मत और डिस्करेजिंग मीन्स हिम्मत तोड़ना, हिम्मत हार जाना तोड़ना। ठीक है, नाउ द वर्ड ई जो हमारे पास है वो है बेकार। वैन मीन्स बेकार। तो ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है वैन, जो नहीं पता होता। बाकी ये इसके थर्ड ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो उसकी मीनिंग है फिनोमिनल यानी शानदार। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। आप उसी कीमत में किसी चीज़ को जज कर सकते हैं जब आपको एक वर्ड की मीनिंग पता होगी। तो इसमें आपके 60% चांसेस है कि यू कैन जज द वर्ड। बाकी ये होता है कि समटाइम्स हमें ऑप्शन भी इतने डिफ़िकल्ट दिए जाते हैं कि वी कांट जज दैट विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये है, और उसमें भी यही होता है कि वो विकैबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, यू नो अबाउट इट। ओके, तो नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ दैट मेमोराइज, यूज़ दीज वर्ड इन योर सेंटेंसेस इफ़ यू कीप रिमेंबर द थिंग्स इन योर माइंड। सो यू हैव टू यूज़ द वर्ड दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंस विच यू आर मेमोराइजिंग। तो फर्स्ट हमारा जिसमें सेंटेंस बना रही हूँ, गोना मेक अ सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड। ही इज़ अ प्रोटेजीस, प्रोटेजीस वर्कर। आई एम एट द सेंटेंस, he is a prodigious worker and by all accounts, now I'm writing by all accounts. Here you can you cannot memorize a word meaning, but here you can memorize the different meaning of a word, different words meanings. Like the, he is a prodigious worker and by all accounts, के by all accounts means it is the phrase of phrase की इसकी meaning के हर लिहाज से, by all accounts meaning. तो he is a prodigious worker means वो शानदार कारकन है और हर लिहाज से, और हर लिहाज से क्या है, by all accounts a brilliant inside political player, और हर लिहाज से एक शानदार सियासी खिलाड़ी है। तो यहाँ पर मैं